अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज आपके साथ व्लॉग में शेयर करेंगे ब्रॉक की कस्टमर की स्टिचिंग के डिज़ाइंस और मैचिंग सूट्स। आपने वीडियो को बस एंड तक लास्ट में देखना है। बहुत हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, शॉर्ट सी वीडियो है। विद इन 6 मिनट्स में आपको 3 आर्टिकल्स दिखाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल से। आपने बस हमारा साथ एंड तक लास्ट में देखना है। इसके अलावा आप हमसे शॉपिंग भी कर सकते हैं, हमारे कोई सर्विस चार्जेस नहीं होते। जो सेल्स के प्राइस होती हैं ब्रांड के, हम आपसे बस वही चार्ज करते हैं। और आला क्वालिटी की स्टिचिंग के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आर्टिकल है ब्रॉक का, इसका मैं आपको एक बार फुल ओवरव्यू दे देता हूँ। नेकलाइन हमने जो है इसकी स्लिट सी बनाई है, इसकी नेकलाइन क्या, और ये हमें बॉर्डर का प्रिंट मिला था। इसके साथ मैंने आगे इसके बनाए हैं स्लीव्स। स्लीव्स के ऊपर हमने बहुत ही खूबसूरत से रफल्स निकाले हैं दोनों स्लीव्स के ऊपर, क्योंकि मॉडल के भी जो है वो स्लीव्स के साथ रफल निकले हुए थे। इसके नीचे अगर दामन की बात करें तो मैं आपको प्रिंट थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इसका सारा प्रिंट है, और फर्स्ट नीचे आप अगर देखें दामन, तो दामन पे ये सारी आपको एम्ब्रॉयडर्ड नज़र आएगी। तो ये सारा हमने एम्ब्रॉयडर्ड एप्लिक पैच वर्क करवा दी है। आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा होगा कि सारा ये एप्लिक वर्क हुआ हुआ है। एंड से पार्ट में थोड़ा सा प्लेन रख दिया, उसकी रीज़न है कि मॉडल का भी प्लेन था, ताकि थोड़ी सी लुक जो है वो माशाल्लाह सेम आ जाए लुक। इसके बाद नीचे मैंने एंड पे बीट्स नहीं लगाए, क्योंकि बीट्स आपको पता है कि टूट जाते हैं। मैंने कि काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस को बीट्स लगा दी हैं, इसलिए मैंने कहा कि हर ड्रेसेस को बीट्स अच्छे भी नहीं लगते। इसके बाद आपको मैं इसकी बैक साइड शेयर करता हूँ आपके साथ। बैक का प्रिंट भी आप देख लें, माशाल्लाह जैसे मॉडल का प्रिंट है, सेम एज इट इज़ है, क्योंकि सारे ये ओरिजिनल फैब्रिक्स हैं। बैक भी आपको एक मोटिफ मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सा। एंड पार्ट के ऊपर आपको ये सारे प्रिंट्स मिलेंगे, बॉर्डर आपको मिलेगा। इसके साथ एक और बॉर्डर भी था, बट मैंने अपनी लेंथ को पूरा करने के लिए इसको मैंने स्किप कर दिया। तो ये माशाल्लाह हमारी फ्रंट और बैक आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसका ट्राउज़र। अगर आप मॉडल का ट्राउज़र चेक करें तो सेम एज इट इज़ मैंने इसका ट्राउज़र भी मैंने सेम बनाया। इसका आप चेक करें, मैंने ये इसके साथ हमें एक पैच वर्क मिला था, और ये ब्लू पीस हमने इसके साथ मेरून पीस खुद अटैच किए। एंड भी हमने इसके भी रफल निकाले, क्योंकि मॉडल के भी रफल्स निकले हुए हैं, ताकि हमारी लुक जो है वो सेम एज इट इज़ जैसे मॉडल की लुक है वैसे हो जाए। दोनों पॉन्चों के ऊपर मैंने इसके रफल्स निकाल दिए, तो माशाल्लाह लुक हमारी जो है वो बहुत ही एलिगेंट हो गई है। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका शिफोन का दुपट्टा है, और मॉडल ने तो सिंपल सा इसका दुपट्टा वेयर किया है, बट मैंने दुपट्टे के साथ क्या लेंगे थोड़ी सी लैस लगा दी है मेरून कलर की। आप अगर देखें तो माशाल्लाह इसकी लुकिंग जो है लैस लगने के बाद थोड़ी सी क्या लेंगे फैंसी टच के अंदर आ गया। दुपट्टे का प्रिंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रिंट है, और काफ़ी रीज़नेबल जो ड्रेस आपको मिल सकता है। अगर आप हमारे थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं, हमारे थ्रू आप स्टिचिंग भी करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह जी आप देखें, ये इसका सारा दुपट्टे का प्रिंट है जो आपके सामने मैंने सारा ओपन किया हुआ है। और प्रिंट्स वाइज और इसकी जो कलर्स कम्बिनेशन है वो सेम इसके एज इट इज़ हैं जैसे इसके सूट का कलर्स हैं। वन मोर ड्रेस जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा वो भी माशाल्लाह ब्लॉक का है। आज हमारे पास जो जितना भी हमारा ब्लॉक है वो सारा मैचिंग सूट्स के ऊपर है। अब इसमें मेरा मैचिंग सूट्स का ये होता है कि आपको फ्रंट बैक इसमें इतना डेल के साथ आपको शेयर नहीं किया जाता। अगर मैं नेकलाइन से स्टार्ट हूँ तो नेकलाइन के ऊपर मैंने एक छोटी सी लैस लगाई है डाई करवा के, हमें साथ इसके बॉर्डर्स मिले थे उसका हमने इसका नेकलाइन बना दिया। अब आप अगर इसके आगे नेकलाइन पे देखेंगे बीड्स, माशाल्लाह बीड्स की वजह से इसकी नेकलाइन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये हमने साथ लूप्स लगाए हैं, लूप्स के साथ हमने इसके साथ बीड्स अटैच कर दी हैं। बॉर्डर्स माशाल्लाह आप इसका प्रिंट चेक करें बहुत ही अच्छे हैं। फिर इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स के आगे भी हमारे पास बॉर्डर था सेम जैसे नेकलाइन का था, और इसके साथ मैंने आगे लेसिस दोनों के साथ यूज़ कर दी हैं। और बाकी फ्रंट आप अगर इसका फ्रंट से फुल चेक करें व्यू, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट है और मैचिंग सूट है इसका। फ्रंट बैक सब कुछ सेम होता है मैचिंग सूट में, आपको पता है फ्रंट बैक हर चीज़ सेम मिलेगी आपको। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र भी आपके सामने है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, जैसे शर्ट का प्रिंट है सेम एज इट इज़ कलर स्कीम एवरीथिंग जो आपको सेम मिलेंगी। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, वो है इसका दुपट्टा। दुपट्टा आपको मिलेगा और गेंजा के अंदर, और ये भी मैचिंग है आपके साथ, लेकिन सिर्फ इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा चेंज है, और इसके जो कलर ट्यून्स हैं वो भी वैसे ही। बट ऑब्वियसली जब ऑर्गेन्जा के ऊपर आप किसी भी चीज़ को डाई करवाते हैं तो थोड़े से कलर ट्यून का फ़र्क आ जाता है। मॉडल ने अलबत्ता जो है हल्की सी लैस लगाई हुई थी, हमने भी जो है उसी के साथ एक लैस छोटी सी लैस लेके उसको डाई करवा के, तो मैंने लैस लगवाई। लैसेज को हमने गुम करके लगाते हैं ताकि नीटनेस और आपकी खूबसूरती और बेहतर हो जाए। तो ये हमारा छोटा सा जो आपके साथ एक सेशन होता है जिसमें हम आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं और आप हमारे थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी ब्रॉक ब्रांड के। आज का मेरा सारा जो व्लॉग है वो ब्रॉक ब्रांड का होगा। नेकलाइन से अगर मैं आपको स्टार्ट करूँ तो हमने एक वी कट सा बनाया हुआ है इसका, माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल सा। ये बिल्कुल प्लेन सूट है और ये गोल घेरे के साथ हमने बनाया, मॉडल का जैसे बना वैसे सेम बनाया। स्लीव्स आप किसके देखें तो बिल्कुल प्लेन से स्लीव्स के हैं,
और आप अगर नीचे देखें तो इसका हमने यहाँ पे गोल घेरा रखा हुआ, गोल घेरे की वजह से इसकी लुकिंग जो है वो थोड़ी सी कह रही है कि एंटीक लुकिंग आ जाती है। और इसके साथ अगर आप ये देखें तो इसके हमने फ्रंट तो आपको मैंने ओपन करके दिखा दिया, बैक साइड भी आपको मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ, क्योंकि सारा ही जो है वो ऑल ओवर का इसका प्रिंट है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। जैसे इसका फ्रंट का प्रिंट है सेम एज इट इज़ इसका बैक का प्रिंट होगा आपके साथ। नेक्स्ट आ जाता है जी इसका ट्राउज़र, और ट्राउज़र भी इसका मैचिंग ट्राउज़र है, बट थोड़ा सा जो है इसका कलर्स कम्बिनेशन जो इसकी शर्ट थी उससे डिफरेंट है। अब इसके साथ मैंने करवा दिए इसके स्कैलप, अगर आप देखें मॉडल के भी स्कैलप हुए हैं, तो हमने भी जो है इसके स्कॉलर हमने भी इसके जो है साथ हमने स्कैलप करवा दिए। दोनों पोंचों के ऊपर मैंने इसको ऊपर रख के पैच करवाया ताकि आपकी थोड़ी सी ग्रिप और कपड़े के साथ पायदारी हो जाए, और कपड़े के साथ मैंने इसके साथ करवाया स्कैलप। आप अगर देख रहे होंगे स्कैलप कपड़े के साथ करवाने से ये एटलीस्ट आपको फ़ायदा होता है कि आपका पैच ख़राब नहीं होता है, वॉश होने के बाद ये कह लें कि काफ़ी लूज़ नहीं हो जाता। तो ये माशाल्लाह हमारे ट्राउज़र का प्रिंट था, बहुत ही खूबसूरत सा जो है ये चीज़ें आजकल कह लें यूज़ हो रही हैं, क्योंकि मैचिंग सूट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए जो है मैचिंग सूट यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका दुपट्टा, दुपट्टा जो है इसका बहुत ही फैंसी दुपट्टा है, और दुपट्टे के ऊपर आपको ये सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, या आप जो है सेंटर में देख रही हैं सारा आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ आपको दुपट्टे के जो ये फोर साइड आपको नज़र आ रहे हैं, आपको पल्लू हैं, ये मैंने सारे स्कैलप करवाए हुए हैं, या आप अगर देखें पिक्चर में तो ये मैंने सारे जो इसके पल्लू हैं ये मैंने सारे इसके करवाए हैं स्कैलप, ताकि जो इसकी जो लुकिंग आए आफ्टर जो है स्कैलप होने के बाद, तो सेम एज इट इज़ जैसे मॉडल की लुकिंग है वैसे इसकी लुकिंग आ जाए। तो ये माशाल्लाह सारा आप अगर देख रहे होंगे तो ये सारा इसका पैच वर्क होने के बाद, कट वर्क होने के बाद दुपट्टे की यह लुकिंग आती है।